हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के बायोलॉजी ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे भी देख लें। वहाँ पे हमने स्टडी किया था टॉक्सिसिटी टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने साथ में क्या डिस्कस किया था, मैंगनीज की टॉक्सिसिटी और किसको किसको इनहिबिट करता है वो, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन को। प्लीज़ उसे भी चलिए देख लें। देखते हैं हमारा फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है। नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है ये प्लांट को ग्रेट अमाउंट में इसकी ज़रूरत होती है, ये हमें याद रखना है। और एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है, नाइट्रेट की फॉर्म में होता है, ठीक है। और कुछ प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको नाइट्राइट की फॉर्म में भी एब्जॉर्ब करते हैं और अमोनियम आयन की भी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, ये याद रखना है। नाइट्रोजन जो है इसकी कौन कौन से पार्ट को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो मेरिस्टमेटिक टिश्यू में मेनली ये इन्वॉल्व होता है और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में भी, ठीक है, ये हमें याद रखना है। और मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है, ये किसकी किसी फॉर्मेशन करता है, जैसे हो गए प्रोटीन्स, हो गए न्यूक्लिक एसिड, हो गए और विटामिन्स और हार्मोन्स की फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होता है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट कौन सा आता है, फॉस्फोरस, और ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, फॉस्फेट की, फॉस्फेट आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ये हमें याद रखना है। और ये हम जानते हैं किसमें इन्वॉल्व होता है, फॉस्फोरस एटीपी में भी इन्वॉल्व होता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है, एनर्जी रिलेटेड रिएक्शन में। और हमने साथ में स्टडी किया है ये सेल मेम्ब्रेन में भी होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में भी होता है, ये हमें याद रखते हैं, ये हमें याद रखना है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरिक एसिड जैसे हमने जानते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, और फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड एलिमेंट कौन सा आता है, पोटाशियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है कहाँ पे, मेरिस्मल टिश्यू में, बड्स में, लीव्स में और रूट टिप में, ये हमें याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लीव्स में क्यों प्रेजेंट होता है ये हम जानते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये तो हम जानते हैं। उसके बाद क्या आता है, एनाइन कैटाइन बैलेंस करता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो इसको हमें ध्यान रखना है कि प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है, और एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड इन द मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल्स, ये हमें याद रखना है। उसके बाद फोर्थ एलिमेंट कौन सा आता है, सल्फर। तो सल्फर प्लांट कौन सी फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करता है, सल्फेट आयन की फॉर्म में, और ये हम जानते हैं कि ये अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है, कौन कौन से अमाइनो एसिड, सिस्टीन और मिथियोनिन, ये हमें याद रखना है। और जो सिस्टीन और मिथियोनिन जो अमाइनो एसिड है ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं किसके, कोएंजाइम्स और विटामिन के, विटामिन कौन कौन से आएंगे, थायामाइन्स, बायोटिन और कोएंजाइम ए, ये हमें याद रखना है। उसके बाद फेराडॉक्सिन का भी है, ये याद रखना है हमें, फेराडॉक्सिन का कौन कौन फॉर्म करता है फेराडॉक्सिन को, सल्फर इसमें इन्वॉल्व होता है, ये गलत मत कर देना। उसके बाद नोड्यूल फॉर्मेशन में भी किसका प्ले रोल होता है, सल्फर का, और रूट डेवलपमेंट में भी होता है, ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सल्फर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे जो हमारे कौन कौन से रह गए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन हो गए, उसके बाद मैग्नीशियम और कैल्शियम को भी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।